बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारे कुड़ियां ते मुंडियां भैणां भरावां नूं मेरे तरफों अस्सलाम अलैकुम। कहिंदे ने कि एक बंदा हुंदा ते उन खून की जरूरत हुंदी है। ओ मेरे जां किसे दोस्त अपने जिहड़ा सिंगल पर्सन हुंदा उन्हां दा कि खून की जरूरत है ते खून चाहिए। वो दोस्त अगों उन कहिंदा कि फिक्र की कोई लोड़ नहीं, जे तैनूं खून की जरूरत होई तूं मैनूं दस देना। वो जिस दिन उन खून की जरूरत हुंदी है वो अपने दोस्त नूं कहिंदा है कि अज आ खून दे। उहदा दोस्त लगा जांदा हॉस्पिटल विच जांदा, डॉक्टर नूं आंदा कि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त की जान बचनी चाहीदी है, तुहानूं खून की जिन्नी जरूरत होवे तुसीं मेरे विचों कढ लवो। वो डॉक्टर साहब उहदे लवे कि पहलां तो हैरान होंदे ने, फिर उहनां दे लम्मा पै जा बैड उत्ते। वो बैड उत्ते लम्मा पै जांदा, हुण सूई लांदे ने, सूई लांदिआं सार वो बेहोश हो जांदा। फिर डॉक्टर साहब त्रै जिहड़े ने बोतलां अपने कोलों खून दियां ला के ते वह होश विच लिआउंदे ने। जिते होश विच आउंदा ना ते बाजू मलदा मलदा आखदा डॉक्टर साहब होर कोई जरूरत होवे ते होर भी तुसीं कढ सकदे हो मेरे विचों खून। और डॉक्टर आंदे ने मामा अगे तिन सत्रै पल्यों ला के तेन होश है, दवाई है, तू उत्तों फिर आना कि लोड़ है जे ते कढ लवे। अच्छा लिफ्तीफा ते अपनी जगह ते आज मैं आपको आज के ब्लॉग में मुबशर सदीक की आमदन के बारे में बताने लगा हूँ। हैरान को ना आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कितनी आमदन है माशाल्लाह उसकी, मुबशर सदीक की। मुबशर सदीक ने जब चैनल स्टार्ट किया था तो उनका भाई जो मुदसर सदीक है वो कोरिया में होता था, साउथ कोरिया में। तो वहाँ से साउथ कोरिया से ही मुबशर सदीक को उसने कहा कि आप चैनल स्टार्ट करें। और जब चैनल स्टार्ट किया मुबशर सदीक ने कुकिंग चैनल, उनका चैनल वायरल हो गया, उनके अच्छी खासी आमदन होनी शुरू हो गई। तो मुदसर सदीक भी वहाँ से वापस आ गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आकर उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया और उनका भाई जो जैन अलाबदीन है उसने भी चैनल स्टार्ट किया। अब इन भाइयों के दो दो चैनल हैं, एक एक कुकिंग चैनल है और एक एक व्लॉग चैनल है। और आप यकीन करें कि इस वक्त 70 से 75 लाख तक उनकी आमदन है मंथली, यकीन आपको आता है। और मुबशर सदीक की अकेले की जो आमदन है वो 50 लाख के करीब है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और बरकत दे। इसके पीछे, इस आमदन के पीछे असल वजह पता क्या है? इसके पीछे बहुत लंबी एक मेहनत है, वो मेहनत की गई है, कोशिश की गई है, तभी जाकर अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम दिया है। जब तक इंसान कोशिश नहीं करता उतना उस वक्त वो किसी मुकाम पर पहुंच नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर इंसान के लिए उतनी ही है जितनी वो मेहनत करता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसकी मेहनत का, उनकी मेहनत का अजर दिया है। अल्लाह ताला आप सबको जितनी आप मेहनत करते हैं उससे दुगनी तरक्की दे। लेकिन कोशिश जितना देर, जितनी देर इंसान कोशिश नहीं करता उतनी देर वो कामयाब नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्लीज़ दबा लें। अस्सलाम वालेकुम।